विराट कोहली के शतक से पहले वाइड गेंद पर अंपायर के विवाद पर पाकिस्तान के वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने जहां बांग्लादेश को 7 विकेट हराया, वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली जब शतक से 3 रन दूर थे और भारत को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, इसी दौरान बांग्लादेश के स्पिनर नसीम अहमद ने एक गेंद लेग स्टंप की तरफ बाहर फेंकी जो कि पूरी तरह से वाइड था, लेकिन मैदानी अंपायर रिचर्ड कैटलबर ने इसे वाइड नहीं दिया, जिस पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान के वसीम अकरम ने कहा कि जाहिर सी बात है ये अंपायर की गलती थी क्योंकि वह निश्चित तौर पर वाइड थी। पैनल में बैठे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने कहा कि जब गेंदबाज बॉल को डिलीवर कर देता है उसके बाद अगर बल्लेबाज क्रीज पर इधर उधर होता है तो गेंद फिर वाइड नहीं दी जाती है, लेकिन कोहली कहीं भी नहीं हिले, वह अपनी जगह पर ही थे, इसलिए अंपायर की गलती है। वसीम ने आगे फिर इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया और कहा कि इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। वहीं कोहली ने पहली गेंद के बाद दूसरी गेंद डॉट खेली और तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़कर न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि वर्ल्ड कप में रनों का चेस करते हुए अपने करियर का पहला शतक भी जड़ा। कोहली की 103 रनों की नाबाद पारी से भारत ने 41.3 ओवर में 3 विकेट पर 261 रन बनाकर बांग्लादेश को 7 विकेट से हार का स्वाद चखाया। बांग्लादेश की टीम भारत के सामने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 256 रन नहीं बना सकी थी। तो क्रिकेट से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।